झारखंड में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया है। गुरुवार शाम रिम्स प्रबंधन ने इस मामले की पुष्टि की है कि हजारीबाग से 31 मार्च को आए सैंपलों में विष्णुगढ़ के करगालो गांव के एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल 55 साल का मरीज पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक विवाह समारोह से 29 मार्च को लौटा था। सांस में तकलीफ व कफ की शिकायत पर हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कर सैंपल रिम्स भेजा गया था। हजारीबाग प्रशासन ने करगालो गांव को सील कर सबकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। आज की प्रेस वार्ता जो हजारीबाग जिला में एक कोरोना का पॉजिटिव निकला है, जो रिम्स में जांच के लिए भेजा गया था सैंपल, जो ये झारखंड का दूसरा मामला है, उसमें हजारीबाग भी अब शामिल हो गया है। संक्रमित व्यक्ति एक यहाँ पे पॉजिटिव केस मिला है, तो जिसको अभी सदर अस्पताल में रखा गया है, उसको फर्दर इलाज यहाँ पे अभी तक जो जानकारी है, अभी डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन में हजारीबाग में ही उसको रखा जाएगा। हजारीबाग में जैसे कि दो अस्पताल जो कोरोना का स्पेशली इलाज के लिए बनाया गया है, एक तो आरोग्यम है और एक आपका मेडिकल कॉलेज जो है, उस पर जो सुविधा है उस पर ही इलाज की अभी तक व्यवस्था की गई है, और आगे जैसे उसका ये होगा, ज़रूरत पड़ेगा, इसको रिम्स भी भेजने पर यहाँ का जो प्रशासन है वो आगे कार्रवाई कर सकता है। मरीज का ट्रैवल हिस्ट्री बताएं। मरीज का ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में अभी तक जानकारी मिली है, वो कलकत्ता के रास्ते से होकर के यहाँ हजारीबाग तक पहुँचा था, और उसको उसका सैंपल लिया गया, कुछ उस टाइप का सिम्टम मिला था, तो उसके आधार पर सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, तो उसका आज रिम्स का जो रिपोर्ट आया उसमें पॉजिटिव पाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 31 मार्च को रिम्स की हिंद पीढ़ी में कोरोना से संक्रमित मरीज का पहला मामला सामने आया था। मलेशिया से धर्म प्रचार के लिए रांची आई युवती में कोरोना संक्रमण मिला था। युवती अपने 22 साथियों के साथ मस्जिद में रुकी थी, जहां से पुलिस ने पकड़कर इनकी जांच कराई। 22 लोगों में से एक युवती का ही सैंपल पॉजिटिव मिला है। हजारीबाग से न्यूज के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।